वालेकुम दोस्तों, आज हम भिंडी बनाएंगे। तो हमने 750 ग्राम भिंडी ले ली है। इसको हमने ऐसे धो के साफ करके ऐसे सुखा के मोटा मोटा कट कर लिया है। इधर हमने 100 ग्राम करीब सरसों का तेल लिया है। इसको अच्छे से हमने गर्म कर लिया है। ये तेल हमारा हो गया है। अब इसके अंदर हम 2 प्याज ली थी, बारीक कट कर ली है, ये डाल देंगे। इसके साथ ही हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब इसको हल्का गोल्डन कर लेते हैं, ज्यादा गोल्डन नहीं करनी। प्याज हल्की गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर हमने ये 1 टमाटर लिया था बड़ा वाला, 1 आम भी ली थी और 5-6 हमने ये हरी मिर्ची ली थी। इनको हमने बारीक कट कर लिया है। अब इनको इसको डाल देंगे। इसको भी 1-2 मिनट के लिए हिला लेते हैं। देखिए 1 मिनट हो गया भूनते भूनते। अब इसके अंदर हम ये थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी पीली मिर्ची डालेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक और इसको अच्छे से भून लेते हैं। जब ये सारी चीजें गल जाएंगी तो तब हम भिंडी डालेंगे। चलिए इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 3-4 मिनट हो गए भूनते भूनते। अभी अच्छे से भून चुका है। देखिए सब चीजें गल चुकी हैं, आम भी टमाटर भी। अब इसके अंदर हम भिंडी डालेंगे। तो ये सारी भिंडी हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। सबको मिलाने के बाद 1-2 मिनट भून लेंगे हम भिंडी के साथ मसाले को। तो देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं हमें मसाले के साथ भूनते भूनते मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी डालेंगे। हल्का सा पानी डाल लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको रख देते हैं 10 मिनट तक के लिए। तो चलिए इसको बनने देते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी भिंडी को बनते बनते 10 मिनट हो गए। अभी अच्छे से रेडी हो गई है, गल चुकी हैं। ये देखिए बहुत कम मसाले से बनती है, मसालेदार बनती है, बहुत टेस्टी है, ज़्यादा मसाले नहीं जाते इसके अंदर। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।